और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और देर रात फिर 74 नए मरीज मिले हैं और एक ही दिन में 336 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है और सर्वाधिक मामले रायपुर से ही सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत का आंकड़ा 54 पर पहुंच गया है। प्रदेश में रिकवरी रेट भी बढ़ा है और 309 लोगों के स्वस्थ होने के बाद भी 6230 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और अगर एक्टिव केस की बात करें तो 2908 अभी एक्टिव केस हैं और कोरोना के अब तक छत्तीसगढ़ में 9192 के सामने आ चुके हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा 9000 के भी पार पहुंच चुका है और मरने वालों का आंकड़ा 54 पर पहुंचा है और इसको लेकर तमाम तरह के इंतजाम व्यवस्था की जा रही है। बावजूद इसके भी कोरोना का आंकड़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं रिकवरी रेट भी पहले से काफी हद तक बेहतर हुआ है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो मरीज सामने आए हैं वो राजधानी रायपुर से देखे गए और इसी पर सारी जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे ज्यादा जो फोकस था वो राजधानी रायपुर पे था और राजधानी रायपुर में ही हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? लगातार कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद भी इसके बाद एक जो है मरीज मिलने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 9000 से पार हो गई है, वहीं 6000 से ज्यादा मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं राज्य में अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 2000 से अधिक मरीज एक्टिव हैं और साथ ही अगर हम सिर्फ और सिर्फ रायपुर की बात करें तो रायपुर में आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा है। रायपुर जो है वो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रायपुर की बात करें तो रायपुर में काफी ज्यादा संख्या में मरीज मिलते जा रहे हैं और इसके लिए लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो भी की गई है, सख्ती भी बरती जा रही है। इसके अलावा भी जो मामले हैं वो सुधरने के नाम नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो बनी हुई है। आज इसका त्यौहार है तो त्यौहार के सीजन के चलते आज बाजारों को खोलने के जो मौके हैं वो भी दिए गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बाजार भी जो है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोले गए हैं, प्रशासन की तरफ से छूट भी दी गई है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ रायपुर के मामले की बात की करें तो रायपुर में कुल मामले 1400 माफ कीजिएगा 1400 से अधिक मामले जो है वो रायपुर में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसी तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और खासकर राजधानी रायपुर में ज्यादा संक्रमण की खतरा जो है वो मंडरा रहा है। जी सुप्रिया, छूट मिलने के बाद ही कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते हैं और एक बार फिर से लॉकडाउन के बाद जिस तरह से आपने बताया कि सुबह बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है, उस बीच किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है जनता? अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ना के बराबर ही जनता के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है और साथ ही आपको बता दूं कि 4 दिनों तक के सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के किराना दुकानों के साथ ही खाद्य दुकानों को भी जो खोलने की अनुमति है वो प्रदान की गई है, जो कि ईद और रक्षाबंधन के मौके पर ये फैसला लिया गया है। लेकिन इन 4 दिनों में लगातार हर रोज बाजारों पर इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है कि प्रशासन की जो मंसूबों पर पानी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने इतनी मेहनत से जो है 7 दिनों तक लॉकडाउन किया था, उसके बाद और बढ़ाकर उसे 6 अगस्त तक किया। उसके अलावा जो है दुकानों को खोलने के लिए जो निश्चित समय निर्धारित किया गया कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन एक तरफ से देखा जाए कि लोगों की भीड़ खुले हम कोरोना को आमंत्रित कर रही है, लॉकडाउन का कोई औचित्य नजर नहीं आता अगर इस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो बनती है तो। और साथ ही आपको बता दूं कि प्रशासन ने आज दुकानों को छूट दी है, अर्थात आज जो है दुकानों को खोलने का अंतिम दिन है। इसके बाद 6 अगस्त तक किराना दुकानें बंद रहेंगी और सिर्फ उसके बाद दूध और सब्जी और फल की दुकानें जो है वो ही बस खुली रहेंगी, वो भी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। तो सुप्रिया, जिस तरह से लोगों की लापरवाही देखी जा रही है, कह सकते हैं कि आंकड़ा भी और ज्यादा बढ़ सकता है। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईदगाहों में आज नमाज नहीं होगी और मस्जिदों में केवल 5 लोग ही नमाज अता कर पाएंगे और बकरीद की खरीदारी के लिए सुबह 10:30 बजे तक की छूट दी गई है और किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे और शहर के सभी मस्जिद और दरगाह में इमाम सहित 5 लोग ईद उल अजहा की नमाज अता करने का फर्ज करेंगे।
और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से पहले जैसे त्योहार मनाने पर रोक लगाई गई है और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने प्रदेश भर के मस्जिदों दरगाह कमेटियों से शांतिपूर्वक बकरीद मनाने की अपील की है। तो सुप्रिया गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और लोगों से अपील भी कर दी गई है, पर अब देखना ये होगा कि कितनी हद तक पालन हो रहा है, क्योंकि सुबह एक नमाज हो चुकी है, तो कितनी हद तक पालन हुआ सरकार की गाइडलाइन का? बिल्कुल, सरकार की गाइडलाइन का पालन होता हुआ नजर आ रहा है कि मस्जिदों में केवल 5 लोग ही फर्ज अदा करेंगे। इसके साथ ही बकरी ईद का जो आज त्योहार है, त्योहार की खरीदारी के लिए सुबह 10:30 बजे तक छूट भी दी गई है कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं वो किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे और साथ ही सब शहर की सभी मस्जिद दरगाह इमाम नमाज अदा करने का फर्ज करेंगे। लगातार जो है कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से त्योहारों पर भी जो है वो ग्रहण छाया हुआ है, चाहे हम बात करें सावन सोमवार की या फिर ईद की। जितने भी त्योहार है सभी पहले जैसे नहीं मनाए जा रहे, सभी में कुछ ना कुछ जो गाइडलाइन है वो दी जा रही है और उन गाइडलाइन का पालन करते हुए तमाम तरह के त्योहार जो है वो मनाए जा रहे हैं। आज ये गाँव में ईद की नमाज जो है वो नहीं होगी, इसके अलावा मस्जिदों में केवल 5 लोग ही फर्ज अदा करेंगे। तो इसी तरीके से तमाम जो त्योहार है वो आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ग्रहण जो है वो लगा हुआ है, इसी तरीके से त्योहार भी जो है टीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है जी। चलिए शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त हो गया एक छोटे से